कोरबा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरोज पांडे के पक्ष में चुनाव प्रचार करी। इबेरा अमित शाह मंच ले राम मंदिर, नक्सलवाद और आरक्षण के मुद्दा ला लेके जम के हमला बोली। कहीं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनत ही 95 नक्सली अब तक ढेर करे जा चुके हैं और जवान मन के सफलता ला कांग्रेस नेता मन फर्जी मुठभेड़ करार देते। जनता हा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार ला चुने हैं, चिंता करे के बात नहीं है। रामलला 500 साल बाद भव्य राम मंदिर में विराजमान हुई। हम सबो लोगन के सौभाग्य है कि भगवान राम के माथा मा सूर्य तिलक हो देखे हैं। मंच ले अमित शाह चुनाव के पहली रिजल्ट के भविष्यवाणी कर दिन। कहीं कि 4 जून के रिजल्ट आही ता हार के टिकरा मल्लिकार्जुन खड़गे ऊपर फूटी और दोनों भाई बहनी निकल जही। कहीं कोरबा ले सरोज पांडे ला जिता के भेजो बड़े दायित्व तो देबो। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहाँ भूपेश कक्का की सरकार थी, मगर मैं कह कर जाता हूं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। 500 साल के बाद हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनके जीवन में ये दिन आया कि हमने राम लल्ला के कपाल पर सूर्य तिलक को देखा। भाइयों सूर्य तिलक। तीसरे चरण के चुनाव बाकी है और कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस नेता मन के आपसी कला ही पार्टी पर मुसीबत बना थे। एक के बाद एक नेता मन पार्टी के संग छोड़ा थे, जेमा रायपुर के राजीव भवन में राधिका खेड़ा के संग होए विवाद हा कांग्रेस के घाव लाऊ गहरा करते है। इधर ही कांग्रेस नेत्री हा कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ऊपर बदतमीजी करे के आरोप लगा है। संघी पार्टी घलो छोड़े के बात कहे है, देखो विस्तार ले रिपोर्ट। उनके विचार ही रावण जैसे हैं। देश के महतारी मन की आवाज उठैया कांग्रेस पार्टी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा फूट फूट के रोवा थे। जो मेरी सरकारी और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी ला छोड़े के बाद घलो कहा थे, छत्तीसगढ़ के 7 सीट मा 7 मई के चुनाव हवैया है, जेकर ठीक पहली राधिका खेड़ा के ए वीडियो हा हलचल मचा दे है। राधिका खेड़ा हा प्रधानमंत्री पर रावण शब्द के इस्तेमाल कर चुके हैं और बीजेपी नेता राम विचार नेतामला रावण बता चुके हैं। राम विचार नेतामला, राम और राम के विचार उनके नाम में आते हैं, लेकिन उनके ना चाल चरित्र चेहरा अपने नाम से मेल खाता है। जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार, उनके विचार ही रावण जैसे हैं, जो एक महिला के लिए सूपनखा और लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, पर उनकी क्या गलती है। कांग्रेस पार्टी की आवाज राष्ट्रीय स्तर में मुखरता ले उठैया राधिका खेड़ा अपन सोशल मीडिया अकाउंट में लिखे है कि कौशल्या माता के मायके माँ बेटी सुरक्षित नहीं है। राधिका खेड़ा के ये सवाल बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस नेता ऊपर उठाए है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजीव भवन में ओकर सिस्टियां सुनाई थी, जेमा बदतमीजी करे के आरोप लगात रोवत बिलकत दिखे। बताया जाते कि कांग्रेस पार्टी के दखलअंदाजी ला लेके कोनो बहस हुई, जेमा राधिका के मीडिया मा बयान दे ला लेके विवाद हुई और तू मैं अतका बढ़ गिस की राधिका रोए लगिस। संघ ही फोन करके दीपक बैस के संग दिल्ली मा आला कमान तक पहुंचा दे। हालांकि मामला मा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट हा घटना ले इनकार करे। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है ना मेरी जानकारी, ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है ना मेरी जानकारी। राधिका के एक वीडियो और ट्वीट पूरा किस्सा बया करा थे। मामला मा बीजेपी हा कांग्रेस ला घेरना शुरू कर दे है। सुशील आनंद शुक्ला जी लगातार
राजीव भवन में बैठकर उगाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे विषय भारतीय जनता पार्टी राधिका खेड़ा जी के साथ में है। अगर कोई कानूनी सहायता उनको चाहिए और किसी प्रकार की उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी। एक घटना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर कला ला दिखावा थे और घटना के अंजाम राधिका खेड़ा ला का बीजेपी के चौकट तक ले जाही ये देखे के बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में पुलिस हा देह व्यापार के खुलासा करी और सकरी थाना के अमेरी गांव में 16 आरोपी ला गिरफ्तार करी। पुलिस के मुताबिक दूसर जिला और दूसर राज्य ले लड़की मन ला के अवैध काम कराए जात रहिन। जी हां, शिकायत के बाद पुलिस हा छापा मार के 16 लड़का और लड़की मन ला गिरफ्तार करी। साई विहार अपार्टमेंट में पुलिस आ कार्रवाई करी जहां बिलासपुर के संग ही कोरबा और दूसर जगह के युवक युवती मल्ला अरेस्ट करी। जसपुर में पुलिस लोकसभा चुनाव ला मद्देनजर गुंडा बदमाश मन के खिलाफ अभियान चलाते। ई कड़ी पुलिस अलग अलग थाना क्षेत्र के 250 से ज्यादा गुंडा बदमाश मन ला गिरफ्तार करिन। संघ ही अभियान में पुलिस सिटी कोतवाली क्षेत्र ले आरोपी नौसाद के पास 50 नग प्रतिबंध नशीला सिरप और 400 नग नशीला गोली घलो बरामद करिन। एसपी हा बताएं कि अवैया दिन मा घलो सरलग अभियान चला के गुंडा बदमाश मनु पर कार्रवाई करे जाही। यहां में गुंडे बदमाशों की चेकिंग की गई और 154 लोगों के खिलाफ 167 लोगों की कार्रवाई की गई, 66 लोगों के खिलाफ 109, 3 लोगों के खिलाफ 110, 6 लोगों के खिलाफ 151 और 6 लोगों के खिलाफ आम सेक्टर कार्रवाई की गई। इसी दौरान यहाँ पर साई डांगर टोली गाँव में नौसाद के पास से वहाँ पर कोरेक्स की 50 नग की दवाई मिली, साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ 400 नग नशीली गोलियां भी मिली है, उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें छत्तीसगढ़ में बीते दिन ले गर्म हवा के सितम दिखे बर मिला थे। बिहनिया ले संजा गर्म हवा के सेती लोगन ला परेशानी के सामना करना पड़ा थे। संघ ही छत्तीसगढ़ के कई जिला में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गए है। मंझनिया के बेरा लोगन तेज धूप के सेती मुंह में कपड़ा बांध के चले बर मजबूर है। मौसम विभाग के मुताबिक अवैया 5 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बढ़ोतरी हुई संभवता है। राजधानी रायपुर में बादल साफ रहे के संभावना है और अधिकतम 42 डिग्री संग ही न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहे के संभावना है। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक पर, बने रहो आपके अपन चैनल विस्तार न्यूज के संग।